राज्यसभा के अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद ने नांदेड़ का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने पीर बुरहान नगर में जलसेआम से खिताब किया। नांदेड़ से इंतखाब लड़ रहे कांग्रेस पार्टी की रियासती सदर अशोक चौहान की तशहीर के लिए गुलाम नबी आजाद ने नांदेड़ का दौरा किया। पीर बुरहान नगर में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान गुलाम नबी आजाद ने पार्लियामानी इंतखाबात में अकलियतों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और फिरकापरस्त ताकतों को इख्तदार से बेदखल करने के लिए कांग्रेसी उम्मीदवार के हक में वोट डालने की अपील की। गुलाम नबी आजाद ने मोदी हुकूमत के पिछले 5 साल कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए मुल्क में बढ़ रही फिरकापरस्ती और हिंदू मुस्लिम समाज के दरमियान पाई जाने वाली नफरत के लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। गुलाम नबी आजाद ने MIM और वंचित आघाड़ी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए सेकुलर वोटों की तकसीम का इन पर इल्जाम लगाया। हम बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ नहीं हैं, हम हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हिंदू मुसलमानों के सबके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच के खिलाफ। उनकी सोच ठीक नहीं है, उनकी सोच अटल बिहारी वाजपेयी जैसी नहीं है, उनकी सोच अडवाणी जैसी नहीं है, वो भी बीजेपी के बड़े बड़े लोग हैं, उनकी सोच मुरली मनोहर जोशी जैसी नहीं है, वो भी बीजेपी के बड़े के लीडर हैं। बीजेपी में और भी बड़े लीडर हैं जिनकी सोच अच्छी है, जो चाहते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान भाईचारा रहो, शांति रहे, आपसी भाईचारा रहे, लेकिन दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से हमारे प्रधानमंत्री, जिनका काम किसी भी प्रधानमंत्री का ये हो काम होता है कि अगर धर्मों के बीच में विवाद हो तो उनके बीच में दीवारें खत्म करते और उनको इकट्ठे करे, लेकिन पहली दफा हमारे देश में ऐसे सरकार चलाने वाले लोग देश में भी आए और प्रदेशों में आए, जो लोगों को इकट्ठा करने के बजाय उनके बीच में लड़ाई लगाते हैं वोट हासिल करने के लिए। इसलिए हमारी लड़ाई आज भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा है। दोस्तों और साथियों, अगर हम लोगों ने इस इलेक्शन की अहमियत को नहीं समझा, आप लोगों ने देखा है कि इस महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। भारतीय जनता पार्टी को यह बात समझ में आ चुकी थी कि यह इलेक्शन वो हारने वाले और उनको हार नजर आ रही है, लेकिन इन्होंने वंचित के नाम पर एक आघाड़ी तैयार की भारतीय जनता पार्टी ने, और कुछ लोगों को सामने खड़े करके, जहां पर मुस्लिम समाज की वोट माइनॉरिटी की वोट है, जहां पर दलित समाज की वोट है, उस वोट को बांटने का काम करने का काम और भारतीय जनता पार्टी को मदद करने का काम इस महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। और आज नांदेड़ शहर के अंदर भी, इस लोकसभा के इलेक्शन के अंदर भी नांदेड़ के यही काम किया जा रहा है कि किस तरीके से सेकुलर वोट तकसीम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुन कर आ जाए। यह साजिश इस लोकसभा इलेक्शन के अंदर रची गई है।